हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। इस वीडियो से हम रिज्यूम करेंगे अपने बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज़। आज का टॉपिक है हमारा मैथ्स, जिसमें हम देखने वाले हैं कि अभी तक जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर, सभी को किस प्रकार से आपको करना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कौन से बैकग्राउंड के लोगों को किन टाइप की चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने पेपर पे आने वाले 10 क्वेश्चन में से कम 8-9 क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएं। आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारे कई सारे पेड ग्रुप समय समय पर चलते रहते हैं। इस समय हम 3 अपर पीसीएस और 1 लोअर पीसीएस एग्ज़ाम्स को सर्व कर रहे हैं सेपरेट पेड ग्रुप, और अलग से अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी बाय करनी है, इन सभी की जानकारी आपको 8564 वाले नंबर पर डिटेल्ड वे में मिल जाएगी। आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से फ्री का टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इससे जाके जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम का, या फिर कह सकते हैं नंबर सिस्टम का। अ नंबर वन डिवाइडेड बाई 342 गिव्स अ रिमाइंडर 47। एक पर्टिकुलर नंबर मान लीजिए एन है, उसको यदि 342 से डिवाइड किया तो 47 आया, लेकिन 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये जो छोटे छोटे नंबर है ना, तो छोटे को यहाँ पे रखिए और बड़े नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए। बस सिंपल है, 19 2 38, नौ यहाँ से रिमाइंडर आ गया, ऑप्शन बी। ये शॉर्टकट वे होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 2/3 ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ। 66 सही 2/3% का मतलब है 2/3, तो 2/3 हिस्से वो खर्च कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मान लीजिए 3 यूनिट उसकी इनकम है, तो 2 यूनिट वो खर्च कर देता है, तो 3 में से 2 हिस्से खर्च कर दिए, तो 1/3 वो सेव करता है। इसी 1/3 की वैल्यू 1200 है और हमसे पूछी कितनी है। हिज मंथली एक्सपेंसेस आर, तो मंथली एक्सपेंसेस हैं 2/3, 1/3 से 2/3 बनाने के लिए (2), तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आ जाएगा, 2400। इतने रुपए वो खर्च कर देता है, ऑप्शन ए। अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, 20% का इसको प्रॉफिट हो जाता है। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को खरीद करके लाया। 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब ये हुआ कि उसने 20% ऊपर बेच दिया, मतलब ₹120 में बेच दिया। इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, मतलब जितना वो पहले बेच रहा था जिस भी रुपए में, ₹120 में, उससे दोगुने रेट पे बेच दिया, मतलब 120 में ना बेच के 240 में बेच दिया, लेकिन कॉस्ट प्राइस अभी भी ₹100 ही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप जितने रुपए पे करके आर्टिकल खरीद लाए वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹100 की चीज़ को ₹240 में आप बेच रहे हैं, तो ₹140 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने पे? 100 पे। तो 140% यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए, बिकॉज 100 पे किसी चीज़ को परसेंटेज बोलते हैं। 10 विमेन कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, तो वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज या फिर विमेन इंटू डेज, तो 10 औरतें 7 दिन में उस काम को करती हैं। एंड 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कम्प्लीट द सेम वर्क, उसी काम को करने के लिए, ये भी वही काम है वो भी वही काम है, तो इक्वल टू अ साइन। 10 चिल्ड्रेन 14 डेज लेते हैं, 14 दिन लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 7 × 2 = 14, तो W = 2C। तो W/C का रेशियो ले लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि एक औरत एक दिन में 2 यूनिट, मतलब जो जिसके सामने लिखा है, और एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम निपटा देता है। वो काम आखिर है कितना, ये निकालने के लिए W की प्लेस पे 2, C की प्लेस पे 1, या तो यहाँ पे रखिए या तो यहाँ पे रखिए, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। 10 W की प्लेस पे 2 × 7, इतना ही काम है, अब इसको सॉल्व मत करिए। इस काम को करवाना किससे है ये देखिए। इन हाउ मैनी डेज 5 women and 10 children विल कम्प्लीट द वर्क, आप इस काम को करवाने वाले हैं 5 औरतों और 10 बच्चों से, तो 5, एक औरत की वैल्यू है 2, प्लस 10, एक बच्चे की वैल्यू, मतलब वो कितने यूनिट हर दिन करता है, तो 1 है, ये 10 × 20 × 7, और नीचे क्या है, 5 × 10 + 10 = 20, 20 से 20 कट गया, आंसर क्या आ गया, 7, इतने ही दिन लगेंगे, ऑप्शन डी।
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90? तो 11 से जो बाद में आता है, जो 7 से कट जाता है, वो नंबर कौन है? तो वो नंबर 14 है, 11 के तुरंत बाद आने वाला। 90 से ठीक पहले आने वाला वो नंबर क्या है जो कि 7 से कटता है? ये है 84, बिकॉज इससे 7 आगे जाएंगे तो 91 पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको जाना नहीं है। तो ये पूरी की पूरी एपी की सीरीज बन गई। कैसे? 14 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? इससे 7 ज़्यादा, मतलब 21। इसी तरीके से 28, और इससे पहले क्या आ जाएगा? 77। तो एपी की सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालते हैं? सिर्फ पहले और आखिरी एलिमेंट पे फोकस करिए, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब आखिरी वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से लेस कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए गैप से, मतलब 7 से, और जो आंसर आए उसमें +1 कर दीजिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है एपी की सीरीज़ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने के लिए। 84 माइनस 14 70, 70/7 यानी कि 10, 10 और 1 11, तो 11 एलिमेंट हैं आपके पास। ऑप्शन ई, अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर। ये अगर पानी है तो उसमें नाव चलाने की जो उसकी गति है वो 7.5 किलोमीटर पर आर की है। इफ़ द रिवर वाटर इज रनिंग एट, ये क्या है? तो ये 3/2 है, या फिर इसको कह सकते हैं 1.5। तो पानी की गति कितनी है? 1.5 किलोमीटर पर आर। अब जब आप पानी पे चलते हैं बोट की सहायता से या फिर आप खुद तैरते हैं, जो भी समझ लीजिए, तो इसमें पानी का भी इक्वल रोल रहता है। मान लो पानी इस तरफ जा रहा है और आप भी इस तरफ जा रहे हो, तो उस समय जो ओवरऑल स्पीड होती है ना, वो होती है x+y, जहाँ पे x का मतलब आपकी स्पीड और y का मतलब पानी की स्पीड। वहीं पे मान लीजिए पानी इस तरफ जा रहा है और आप जा रहे हैं पीछे, मतलब उल्टी दिशा में, तो ओवरऑल स्पीड हो जाती है x-y। बस इन्हीं दो चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इट टेक्स हिम 50 मिनट टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, मतलब गया और वापस आ गया, टाइम कितना लगा? 50 मिनट। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब धारा के मतलब अलोंग जाएगा, मतलब पानी और आदमी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्पीड हो जाएगी एड, यानी d/x+y। इसी तरीके से उल्टी दिशा में d/x-y, ये है 50 मिनट, मतलब इतने घंटे, बिकॉज 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ये 5/6। तो d यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें तो 1/x+y, 7.5 + 1.5 9, यहाँ से 1/7.5 - 1.5 6, ये है 5/6। बस इसको सॉल्व करना है। 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, 9 3 जा, मतलब 9 2 जा, सॉरी 6 3 जा, वैसे उल्टा भी लिख देते कोई फ़र्क ना पड़ता, 5/6, 2 3 5, 5 से 5 कैंसिल, 6 3 18, डी जाएगा ऊपर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 3 किलोमीटर। ऑप्शन ए, यहाँ पे कई बार दोनों तरफ का डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे एक ही तरफ का पूछा है तो 3, अगर डबल डिस्टेंस पूछते तो 3 3 6 होता। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹4,624 इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल में रुपए बन जाते हैं, मतलब इतने रुपए आपने डाले नहीं थे, 2 साल के बाद आपको ब्याज समेत मिले, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत, और 3 साल में कितने हो जाते हैं? 4,913। तो 3 साल ये है, 2 साल ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 1 साल, और 1 साल में आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा ना, इनके बीच का डिफरेंस 4,913 - 4,624, मतलब 289, बिकॉज ये 11 का अंतर है, अदरवाइज 100 होता, तो 289 आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन चूंकि पहले साल में दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट भी मान सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिसके तहत ये हिसाब किताब चल रहा है कि पहले ये बना फिर ये बना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। SI बराबर होता है PRT/100, यानी 289 इज इक्वल टू, आप इसको पता है प्रिंसिपल मानेंगे, क्योंकि ये था ये बन गया, तो इसका मतलब इसको प्रिंसिपल की तरीके से मानेंगे, तो 4,624 इंटू R/100, और टाइम तो 1 साल है, बिकॉज ये 2 साल ये 3 साल, 1 साल का डिफरेंस है। 17 से काटेंगे 17 बार में जाएगा, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34,
यहाँ से 122 सेवनटीन सेवन ज़ा, सेवनटीन टू ज़ा, सेवनटीन सिक्सटीन ज़ा, तो आर क्या आ गया 100/16, यानी कि 25/4%। अगर आप परसेंटेज के साइन को नीचे लाएंगे तो नीचे तो 400 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 × 4, मतलब 1/16। 1/16 से आप बढ़ा रहे हैं, 1/16 से बढ़ाने का मतलब 17/16 कर देना। आई थिंक 17/16 तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये मान लो प्रिंसिपल है, इन्होंने बोला 2 साल के बाद 4624 हो गया, तो इसका मतलब 2 बार 17/16 से गुणा किया, बिकॉज 1/16 से आप बढ़ा रहे हो ना, तो 1/16 से बढ़ा रहे हो, इसका मतलब 17/16 से गुणा कर रहे हो। परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट तो आप सभी जानते ही होंगे। तो मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स है, तो एक्स का 17/16 टाइम्स किया, फिर ये जो आया उसका भी 17/16 टाइम्स किया, तो 4624 रुपये बन गए। ये कितना हो गया 272, ये कितना हो गया 16, ये 16 दो बार लिखा है ना, तो 16 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये 16 का क्यूब बन जाएगा, बिकॉज एक 16 पहले से है, 16 का क्यूब होता है 4096, ऑप्शन सी। अ मैन बाईस रुपीज़ 20 शेयर, मतलब 20 रुपये के शेयर उसने खरीद लिए और 9% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो इस 20 का 9% एक बार ज़रा निकाल लेते हैं, 9/100 × 20, 25 जा, तो 9/5 का उसको प्रॉफिट हुआ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है द मैन वॉन्ट्स टू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन इज मनी। शेयर्स एंड डिविडेंड के केस में अगर कोई व्यक्ति के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो इतना ब्याज प्राप्त करना चाहता है, 12% का मतलब ये है कि वो 100 रुपये में 12 रुपये का लाभ चाहता है, यानी कि 12 रुपये का लाभ कब मिलेगा, जब 100 रुपये मार्केट वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हुआ। अगर 9/5 का लाभ हुआ तो मार्केट वैल्यू क्या, ये है सिंपल सी चीज़ जो कि आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9/5 × 100/12, इसने इसको 20 बार में काटा, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, 4 5 20, तो 3 5 15, मार्केट वैल्यू है 15 रुपये, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज़ 76,000 इन अ बिजनेस, यहाँ पे वैसे उसका नाम ए ही है, तो ए नाम के बंदे ने 76,000 रुपये बिजनेस में डाले। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंट हिम विद रुपीज़ 57,000। बी ने कुछ महीनों के बाद 57,000 रुपये के साथ उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंट्री मारी। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है, बी कुछ महीने बाद आया ना, इसका मतलब जितने भी टाइम तक ये बिजनेस चला होगा बी उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बी आया है बाद में। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि ए पूरे टाइम रहा है। अब देखते हैं जरा बिजनेस कितने टाइम रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 साल रहा है, मतलब 12 महीने, और बी को मान लो वो एक्स महीने रहा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट का रेशियो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 19 4 ज़ा 19 3 ज़ा 3 4 ज़ा, ये आ गया 16 और ये आ गया एक्स, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 16/x, जो कि हमें दे रखा है 2/1 के बराबर, तो 2 8 ज़ा x = 8। 8 महीने के लिए बी नाम का बंदा बिजनेस में रहा, अगर हमसे ये पूछा जाता तो आंसर आता 8, लेकिन चूंकि हमसे पूछा है कि ये कितने महीने बाद आया, इसने ज्वाइन कितने महीने बाद किया। देखिए ये होता ये है इसमें कि पहली बात तो 12 महीने तक बिजनेस चला, 8 महीने तक इस पर्टिकुलर बंदे ने पैसे लगाए, तो जाहिर सी बात है 4 महीने बाद आया, ऑप्शन बी। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 20 लाख रुपीज इन अ बिजनेस इन द रेशियो दिस, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि किसने कितने रुपए लगाए। अगर रेशियो को ऐड कर देंगे तो 7 2 9 और 1 10 आ जाएगा। अगर टोटल 10 रुपये लगाए गए होते तो 7 रुपये ए के हिस्से में जाते, 2 रुपये बी के हिस्से में, सी के हिस्से में 1 रुपये जाता, लेकिन रुपए तो 20 लाख लगाए गए ना, तो 10 का मतलब 20 लाख, 10 2 ज़ा, तो 1 का मतलब 2 लाख, मतलब हर चीज़ को डबल कर दो, किसने कितना लगाया पता लग जाएगा। 7 का डबल 14, ए ने लगाया 14 लाख रुपए, 2 का डबल 4, बी ने लगाए 4 लाख रुपए, 1 का डबल 2, सी ने कितने लगाए 2 लाख रुपए। अब ज़रा ध्यान से देखिए,
द टोटल प्रॉफिट इज 18%। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जो भी रुपए लगाए हर एक ने 18% का लाभ प्राप्त किया। तो ए का प्रॉफिट जरा देख लेते हैं, 14 लाख को सबसे पहले अच्छी तरीके से लिख देते हैं, ये है 14 लाख। इसका 18% निकाल दीजिए, ए का प्रॉफिट पता लग जाएगा। इसका 18% जरा ध्यान से निकालेंगे, अगर 10% निकालना होता तो इस जीरो को गायब कर दिए होते हम। तो ये क्या है, 1,40,000। 20% निकालेंगे तो इसका मतलब डबल, 2,80,000। लेकिन 2% कम भी करेंगे बिकॉज 18% निकालना है, तो इसका 2% हो जाएगा 14,000 का डबल 28,000। तो 2,80,000 में से 28,000 चला गया, तो 2,52,000 बच गया। अब लेकिन कहा जा रहा है कि ए ने जितने भी रुपए कमाए, मतलब 2,52,000, इसका 30% टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया या फिर जिसको भी दे दिया। तो अगर टैक्स को हटा के आपको प्रॉफिट निकालना है, मान लीजिए पी डैश, तो क्या करेंगे, इससे टैक्स निकाल देंगे, 30% इसका निकालेंगे। लेकिन जरा ढंग से, 30% का मतलब 10% का 3 गुना, तो इसका 10% तो सीधे दिख रहा है 25,200, इसका ट्रिपल करेंगे तो 75,600। 2,52,000 में से 75,000 को लेस करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17। 1,76,400 रुपये टैक्स काटने के बाद ए नाम के बंदे ने कमाए। अब इसके बाद और किसके बारे में हमें बात करनी है, सब कुछ डिलीट, बस आप 1,76,400 याद रखिएगा। व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, तो आपको बी के बारे में वही हिसाब किताब चाहिए। अब बी ने 4 लाख रुपए कमाए, सॉरी 4 लाख रुपए बिजनेस में डाले, तो 4 लाख का 18% अगर आप करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा, यह है 4 लाख। तो 18% निकालने से पहले 20% निकालिए जरा, इसका 10% होता है 40,000, तो 20% मतलब डबल यानी 80,000। अब इसमें से 2% कम करिए, मतलब 4,000 का डबल कम करिए, 8,000 कम करिए, तो बी ने कमाए 72,000 रुपये। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कैसे हुआ, लेकिन हुआ क्या, इसने 20% टैक्स दे दिया। तो 20% टैक्स दे दिया, इसका मतलब जो वो कमाएगा टैक्स को देने के बाद, वो इसमें से 20% लेस करने के बाद कमाएगा, तो इसमें 10% कम करेंगे तो 7,200, 20% कम करेंगे तो 14,400। तो इसमें से ज़रा लेस करिए 14,400, 14,000 कम करेंगे तो 58,000 आएगा, 400 और कम करेंगे तो 57,600 आएगा, ये 57,600 है। तो आपको बताना है कि ए का बी से कितना ज़्यादा है, मतलब कितने परसेंट वाइज ज़्यादा है, तो इनके बीच का आप डिफरेंस लेंगे तो ये करीबन 1,19,000 के आसपास आएगा, और ये है 57, मतलब डबल से ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे तो करीबन 240-50, मतलब 240 या 250% इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन आपके आयोग ने इसको डी दिया था, तो वो वाला आंसर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको खुद ही कैलकुलेट करके अपना देख सकते हैं, 240 से 250 के आसपास आएगा। ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये है, तो इसमें एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। ए से लेकर आई, बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हो रहा है ना, लेकिन ये 1, 2, 3, 4 की सीरीज जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इनके लिए भी रिपीट हो जाएगी, STUVWXYZ इनके लिए भी रिपीट हो जाएगी। तो बस इससे मैच करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे M का मतलब है 4, तो शुरुआत होनी चाहिए 4 से, जहाँ पे शुरुआत 4 से नहीं हो रही है उनको हटाइए, A ख़त्म D ख़त्म। उसके बाद E, E का मतलब है 5, 4, 5 दोनों में है, अभी रुके रहिए, लेकिन 2, 9 भी दोनों में है, तो 2, 9 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 4 बना लिए। अब ओ का मतलब अगर आपने करेक्ट पता कर लिया तो बचा हुआ ऑप्शन भी हट जाएगा, ओ का मतलब है 6,
तो 45296 जहाँ पे शुरुआत में है उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन बी। एक्स इज अ कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर एंड द फर्स्ट फोर वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन दिस आर 7, 20, 45, 88, व्हाट इज द फिफ्थ वैल्यू। तो ये जो कुछ भी है एक बार जरा इसको इग्नोर मारते हैं और इस सीरीज पे फोकस करते हैं, 7, 20, 45 और 88। ये गैप है 13 का, ये गैप है 25 का और ये गैप है 43 का। आगे गैप लेंगे तो ये 12 का, ये 18 का, तो ये पक्का 24 का होना चाहिए। 43, 24 कितना हो गया? 67। 88 प्लस 67 कितना हो जाएगा? 167 में से 12 गया 155, तो 155 यहाँ से करेक्ट हो गया। इस तरीके से इसको कर सकते थे अगर आपको ये स्ट्राइक कर गया होता तो। फिर से रीजनिंग का आ गया, इसमें आपको सीरीज़ बतानी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, उससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ये 26 से 24 -2, ये 24 से 20 -4, तो यहाँ क्या आना चाहिए? -6। 20 -6 14, तो बीच में 14 जहाँ पे है वो आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। द डियरनेस अलाउंस ऑफ अ पर्सन विद बेसिक पे 7700, ये उसका बेसिक पे है लेकिन उसको महंगाई भत्ता 132% मिलने लगा, जबकि पहले कितना मिलता था? 125%। तो 7% सैलरी में इंक्रीमेंट तो यहीं से हो गया। इससे 1700 का 7% लेंगे, यानी 77 × 7 ये हो जाएगा 539। इतनी सैलरी तो इसकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और ऊपर से एक और बात हो रही है कि पहले उसको 22% टैक्स देना पड़ता था लेकिन 20% दे रहा है, और 2% फिर से बढ़ेगी, तो इसका 2% हो जाएगा 154। इतनी सैलरी बढ़ेगी, 9 × 4 = 13, ये 9 × 6 = 693 रुपये इसकी बढ़ेगी, तो ऑप्शन ई यहाँ से करेक्ट होगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि वो टैक्स ज़्यादा दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स कटौती, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 22 देता था, अब 20% टैक्स दे रहा है। रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। तो ए ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले वैल्यूज लिखिए, 12, 2, 3, 8, 1 और फिर से 12। 12 और 2 के बीच में है माइनस, जिसका मतलब है डिवीज़न, तो ये डिवीज़न का साइन आ गया। 2, 3 के बीच में है प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। 3, 8 के बीच में है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है डिफरेंस, मतलब नेगेटिव का साइन ले लो बस। 8, 1 के बीच में है इंटू का साइन, इंटू के साइन का मतलब है ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड। 1 और 12 के बीच में है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है बराबर, इसको सॉल्व करके 12 के बराबर दिखाना है, दिखा पा रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज़ इसको काट के आगे बढ़िए। ये 6 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 18 में से 8 गया 10, 10 और 1 = 11, जबकि यहाँ पे 12 दिया है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर से आते हैं, 11, 2, 4, 2 और 1 और 11, यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना देते हैं जिससे सॉल्व करने के लिए जगह मिल सके। 11 और 2 के बीच में है इंटू का साइन, इंटू के साइन का मतलब प्लस, फिर डिवाइड का साइन जिसका मतलब है नेगेटिव साइन, फिर है नेगेटिव साइन जिसका मतलब है डिवीज़न, और फिर है प्लस का साइन जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो जो बचा है वो आ जाएगा। इक्वल टू के साइन का मतलब है ग्रेटर देन, मतलब ये जो कुछ भी आएगा वो 11 से बड़ा होना चाहिए, तभी इस ऑप्शन को हम टिक कर पाएंगे। ये 2 हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, 11 से बड़ा तो नहीं होता ना, बराबर होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद 7, 2, 5, 5, 2 और 7, फिर से ये थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिवीज़न का मतलब है डिफरेंस, उसके बाद इंटू का मतलब है एडिशन, फिर नेगेटिव का मतलब है डिवीज़न, फिर प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू का मतलब है ग्रेटर देन। अब ये जो कुछ भी है 7 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल है। ये 1 हो जाएगा, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी। अब यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबव लिखा है ना, मतलब दो आंसर तो नहीं आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। इन द बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक देयर आर टू ड्रेन्स ए एंड बी, मतलब दो टाइप के पाइप हैं जिनका नाम है ए और बी,
इफ़ ओनली ए इज़ ओपन इट टेक्स 30 मिनट्स टू एम्प्टी अ फुल टैंक, मतलब ए किसी टैंक को खाली कर सकता है 30 मिनट में, एंड इफ़ बी इज़ ओपन इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स, बी को लगते हैं 20 मिनट। अब दिया क्या है आगे वो देख लेते हैं। इफ़ फॉर 10 मिनट्स बोथ ड्रेन पाइप्स आर ओपन, लेकिन वो चीज़ें बाद में, सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टंकी कितनी बड़ी है, कितने लीटर पानी आता है उसमें। तो ये हो जाएगा इनका एलसीएम, 30-20 का एलसीएम होता है 60। जहाँ तक ए नाम के पाइप का सवाल है, तो 30 मिनट में 60 खाली करता है, तो 1 मिनट में 2 खाली करता है, इसी तरीके से बी 3 खाली करता है, तो 1 मिनट में ये दोनों मिलके 5 लीटर खाली कर लेते हैं। अब दिया हुआ है कि 10 मिनट इनको खोल दिया, तो 5 × 10 = 50 लीटर पानी ये खाली करके बहा चुके हैं, तो बचा कितना टंकी में 10 लीटर। अब ये 10 लीटर कौन खाली करेगा, ज़रा देख लेते हैं। लिखा हुआ है बी इज़ क्लोज्ड, बी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है जो बचा है वो करेगा। ए का जहाँ तक सवाल है तो वो 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है, और ऐसे ऐसे 10 लीटर इसको खाली करने हैं, तो ऐसे ऐसे 5 मिनट और लगेंगे। हमसे पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी अ फुल टैंक, टोटल कितना टाइम लगा, 10 यहाँ से 5 यहाँ से, तो 15 मिनट लगा, ऑप्शन बी। ये आ गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। अब इसको कन्वेंशनल वे से करेंगे तो बस करते ही रह जाएंगे, बहुत कैलकुलेटिव होता है ये। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए 2NC3, तो n की प्लेस पे अगर हम 6 रख दें तो 2n हो जाएगा 12, 12C3 बटे में NC2 मतलब 6C2। अगर ये 12:1 देगा तो करेक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 12C3 सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, बस मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ चलाइए 3 बार, 12 × 11 × 10, और सक्सेसिव एलिमेंट आपस में एक एक कम होते जाएंगे, ये ट्रिक होती है। और इतना ही नहीं, ये डिवाइड होता है 1 × 2 × 3 से। अब यहाँ पे देखते हैं 6 × 5 / 1 × 2, क्या कर सकते हैं 12 × 11 × 10 / 1 × 2 × 3, डिवाइड किया इससे तो इंटू करेंगे इसके उल्टे से, 2/30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 12, लेकिन इस 11 के कारण हमें ऊपर 12 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, सेकंड पे अगर हम एन की प्लेस पे 5 लेंगे तो 2n हो जाएगा 10, 10C3/5C2, 10 × 9 × 8/1 × 2 × 3, 5 × 4 / 1 × 2, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, बाकी आप 10 से इसको काट देंगे और 2 से ये कट जाएगा, तो ये 12 और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 12/1 यहाँ से करेक्ट हो गया, इसका मतलब सही ऑप्शन का चुनाव हमने किया था, ऑप्शन बी। द वेरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, तो वेरियंस निकालने के लिए सबसे पहले इनका मीन निकाल लो, तो इनका मीन तो लगातार मतलब हर जगह सेम है, तो मीन भी 7 हो जाएगा, बिकॉज इन सबको जोड़ोगे 5 से डिवाइड करोगे तो भी 7 आएगा, अदरवाइज ये AP की सीरीज़ है और बीच वाला एलिमेंट मीन होता है तो भी 7 आ जाएगा। अब वेरियंस निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये जो मीन आया हर एक को इससे लेस करते जाओ, तो 7 − 7 = 0, ऐसे ही बाकी के 4 भी 0, तो अब ये 0 आ गया ना, अब इसके आगे आप कुछ भी करिए, इनका स्क्वायर वैसे करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा, और स्क्वायर करने के बाद जो आएगा मतलब ये सारे, इनका एवरेज भी 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। लॉग 2 की वैल्यू देख के लॉग 5 आपसे पूछ लिया, तो लॉग 5 क्या होता है, log 10/2, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकते हैं, log 10 − log 2, लॉग 10 होता है 1, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 − log 2 आपको दे रखा है मतलब 0.30103, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.698, यानी कि ऑप्शन डी। इस सीरीज़ के बारे में आपको बात करनी है, तो जब भी आपको सीरीज़ दे रखी हो सबसे पहले इनका गैप निकाल के चेक करते हैं, तो 5/6 − 1/2, इन दोनों के बीच में गैप ढूंढ रहे हैं, मतलब बड़े को छोटे से लेस कर रहे हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 5 × 2 = 3, ये आ गया 2/6 यानी 1/3,
अब अगर इनके बीच में यही गैप मिल गया 1/3, तो ये अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी, अदरवाइज कुछ और सोचना पड़ेगा। यानी 7/6 माइनस 5/6 2/6, दैट इज 1/3। तो गैप लगातार सेम है, इसका मतलब अर्थमेटिक सीरीज है। ऑप्शन ए, अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस दिस, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर उसके कोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, तो एक डिटर्मिनेंट होता है, उसको सॉल्व कर लीजिए। x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 111। इस डिटर्मिनेंट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका बड़ा सारा यूज़ आता है। और जो हमारे साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाकी के लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ बाहर लेंगे x1, x2, x3 की प्लेस पे, 1, 3 और -3, मतलब सभी के पहले वाले। नीचे क्या उतारेंगे? सभी के दूसरे वाले, और सबसे नीचे 111। इस डिटर्मिनेंट को चलिए अब सॉल्व करते हैं। हाफ तो हमेशा बाहर रहेगा, सबसे पहले इस 1 को कॉमन लीजिए, उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 1 ज़ा 0, और बीच में हमेशा माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 7, उसके बाद ये माइनस आता है बीच में, उसके बाद इस 3 को कॉमन लेते हैं, उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो 7 1 ज़ा 7। उसके बाद यहाँ पे तो प्लस आता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो ये -3, और उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 माइनस 0, ये क्या आ गया? 1/2। 7 माइनस 6 7 13, 3 39, -18। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हाफ 7 में से 39 गया, मतलब -32, -18, यानी -50 का आधा -25, लेकिन एरिया नेगेटिव होता नहीं है, और वैसे भी इस डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू अपने आप पॉजिटिव बन जाती है, ये मॉड का साइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आधा 25, ऑप्शन बी। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स दिस एंड दिस, तो ये भी क्लास 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जितने भी हमारे साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो तो इसको कर ही लेंगे, लेकिन जो अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, और मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िए जाके। क्लास 10th तक की जितनी मैथ्स है, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप सीख पा रहे हैं और उन्हीं से जो क्वेश्चन आएगा उसी में अटेम्प्ट करिए। 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन 10th तक के आते हैं, बाकी के आते हैं हायर लेवल के। एनीवेज इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको भेज देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 7। वाई इज इक्वल टू, मतलब वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 7 माइनस 3x हो जाएगा। अगर इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे m की प्लेस पे आ जाएगा -3। जो m होता है वही स्लोप होता है, तो m1 इज इक्वल टू -3, बिकॉज ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू -9, बिकॉज ये प्लस उधर गया तो वो हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से 2 वाई क्या आ जाएगा? -9 माइनस x, तो वाई क्या आ जाएगा? -9/2 - x/2। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m2 आ जाएगा -1/2। तो बस m1 m2 की ज़रूरत थी, वो हमें मिल गई। अब उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, बहुत स्टैंडर्ड ये तरीका है एंगल कैलकुलेट करने का, एनसीईआरटी में गिवन है क्लास 11th में। ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू m1 - m2, और नीचे आ जाएगा 1 + m1 m2। इसमें m1 m2 की वैल्यू रखेंगे तो -3 + 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 + इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 3/2, बिकॉज 3 × 1/2 3/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऊपर क्या आ जाएगा? -5/6, और नीचे क्या आ जाएगा? 6 कहाँ से आया? ये तो 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा? 5/2, तो ये क्या आ जाएगा? -1, लेकिन इसमें भी मॉड लगा होता है, तो -1 बाहर आएगा 1 के रूप में। टेन थीटा आ गया 1, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स 1, यानी कि 45 डिग्री, ऑप्शन बी। इफ़ टेन 60 इज इक्वल टू √3, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ sec 60?
इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि टेन सिक्सटी क्या है, उससे मतलब ही नहीं है। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस सिक्सटी होता है आधा, तो सेक सिक्सटी हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी दो, ऑप्शन सी। रीजनिंग से एक और क्वेश्चन आ गया, ये दो चार तीन नौ चार सोलह, इसको प्रोनाउंस करते ही कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर रहा है, क्या कर रहा है? ये जो चार है ये दो का स्क्वायर है, मतलब हर एक अगला एलिमेंट पिछले वाले का स्क्वायर है। जैसे तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, तो छः का स्क्वायर 36, ऑप्शन ए। हॉर्स को इस तरीके से लिखा है तो मंकी को किस तरीके से लिखेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो एच से डी का रिलेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एच से जी का बना सकते हैं। एच से जी जा सकते हैं माइनस वन, ओ से जी जा सक सॉरी ओ से एन जा सकते हैं माइनस वन। तो बस आगे देखने से पहले लगातार माइनस वन करिए। ये जो मंकी लिखा हुआ है ना, तो M से माइनस वन करेंगे L आएगा, आखिरी में L देखिए कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, टिक करिए आगे बढ़िए, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। विच स्मॉलेस्ट नंबर इज़ टू बी मल्टीप्लाइड टू, 5 6 7 0 0 टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको क्या होना है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, तभी तो ये क्वेश्चन बना है। कहा जा रहा है कि किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये हो जाएगा, तो इसके करने पड़ेंगे फैक्टर। इसको लिख सकते हैं 567 × 100। अब 100 की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ही 10 का स्क्वायर होता है, प्रॉब्लम इस 567 में है। तो इसके फर्दर फैक्टर कैसे करेंगे, 7 6 13 5 18, ये 9 से कट रहा है, तो काटते हैं भाई 9 से। 9 6 = 54, 9 3 = 27, इसको लिख दिया हमने 63 × 9। अब 63 खुद क्या होता है, 9 × 7, और ये 9 है ही है, ये 9 पेयर में है ना, तो जो पेयर में है वही तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इन 9 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 यहाँ पे एक ही बार है, अगर एक बार 7 और मिल जाए तो ये बन जाएगा, इसका काम हो जाएगा। तो हमें 1 7 से 2 7 बनाने के लिए 1 7 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो किससे कराना होगा, 7 से, ऑप्शन सी। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे वॉज 42 डिग्री, तो मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे क्या आ जाएगा, मतलब एवरेज 42 है तो सम कितना हो जाएगा, 3 गुना, बिकॉज 3 दिन की बात हो रही है, यानी 126। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 43, 43 का 3 गुना करेंगे तो 129 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन किससे कट रहा है वो काट दीजिए, टी से टी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो टी एच यू माइनस मंडे ये आ गया 129 - 126, 3। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान दें, आपके में डेटा मिसिंग है लेकिन हिंदी में ये लिखा हुआ है, बृहस्पतिवार का तापमान 44 डिग्री था, तो ये 44 था, मंडे आपसे पूछ लिया, तो मंडे क्या आ गया 44 - 3 यानी कि 41। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। ये तो परसेंटेज का आसान सा क्वेश्चन है, 44% ऑफ एक्स, 44/100 × x बराबर 11, 11 × 44, 4 ने इसको 25 बार में काटा, 25 गया उधर, तो x बराबर कितना आ गया 25, ऑप्शन बी, क्योंकि भैया आपसे पूछा था। क्लाइंबिंग ऑन अ मीनारेट, मतलब मीनार की बात हो रही है, ऑफ 180 स्टेयर्स, 180 सीढ़ियाँ कुल मिला के चढ़नी है, अ मैन रेस्ट फॉर 2 मिनट्स आफ्टर क्लाइंबिंग 30 स्टेयर्स, तो 0 से लेकर 180 तक जाना है और एक बार में 30-30 सीढ़ियाँ कवर होती हैं, और जैसे ही 30 सीढ़ियाँ कवर होती हैं 2 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। तो पहली बार में 0 से 30 जब गए तो 2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 30 से 60 गए फिर से 2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 60 से 90 फिर से ब्रेक लिया, 90 से 120 फिर से ब्रेक लिया, 120 से 150 फिर से ब्रेक लिया। लेकिन अब एक बात बताइए, 150 से 180 के बीच जब आप ट्रैवल करेंगे तो 180 सीढ़ियां आपको कुल मिला के चढ़नी थी, तो 150 और 180 के बीच में क्या आप ब्रेक लेंगे, नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो यहां से 2-2 मिनट के 5 ब्रेक लिए, तो टोटल ब्रेक लिया 2 × 10 मिनट का, ऑप्शन सी। डायमेंशन ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 × 10 × 20, जब भी इस तरीके से लिखा हो समथिंग क्रॉस समथिंग क्रॉस समथिंग, तो लेंथ पहले विड्थ बाद में और उसके बाद में हाइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बताने का। तो एक लकड़ी का
कोई गुटका है उसकी डायमेंशन दे रखी है, हाउ मैनी होल ब्लॉक्स आर नीडेड फॉर मेकिंग वन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। एक बहुत बड़ी चीज़ बतानी है, मतलब बना के बतानी है, जो कि क्यूबिकल फॉर्म में होगी, और क्यूबिकल जो फॉर्म है उसकी साइड क्या होगी, इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ वुडन ब्लॉक्स डायमेंशन, यानी कि ऊपर जो भी डेटा है उसका एलसीएम हो जाएगा उस क्यूब की साइड, तो 5, 10 और 20 का एलसीएम हो गया 60, सॉरी 60 नहीं होगा, ये खुद 20 होगा, बिकॉज 20 से 20 भी चला जाता है, 10 भी और 5 भी। तो जो आपको क्यूब बनाना है उसकी साइड आपको पता लग गई 20 सेंटीमीटर, और आपको ये बताना है कि छोटे छोटे जो लकड़ी के गुटके हैं जिसकी सहायता से आप बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने हैं ये लोग। तो नंबर ऑफ समथिंग जब बताना हो तो बड़ी वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से हमेशा डिवाइड कर लिया करिए। बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे है, ये जो 20 है ये क्यूब, इसकी वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब, मतलब 20 × 20 × 20, और वुडन ब्लॉक की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 × 10 × 20, 20 से 20 कटा, 10 × 2 = 5, 4 = तो ऐसे ऐसे 8 लकड़ी के ब्लॉक आपको चाहिए, 4 × 2 = 8, ऑप्शन बी। 10 लेबर्स डिग अ वेल इन 4 डेज, 10 मजदूर 4 दिन में एक कुएं को पूरा खोद देते हैं, देन हाउ मैनी लेबर आर नीडेड टू डिग दिस सेम वेल, आपको इसी कुएं को खुदवाना है आधे दिन में, तो बताइए कितने लेबर लगेंगे, ये है सिंपल सा क्वेश्चन। तो 10 × 4 = मान लीजिए आपके पास लेबर एक्स है, लेकिन इस बार आपको आधे दिन में काम करवाना है, तो ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, और ये क्यों किया, वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज, 10 × 4 × x × ½, इस दो को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 4 = 40 × 2 = 80, 80 आदमी आपको चाहिए, ऑप्शन डी। एन इंजन हुज व्हील हैज सर्कमफ्रेंस ऑफ 7 × 1/7 मीटर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू इतनी बता रखी है, रोटेट्स 7 times in 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में 7 बार रोटेशन परफॉर्म होता है, 7 times, तो 1 सेकेंड में कितनी बार होता है, 7/9 times, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। तो ये अगर मान लीजिए पहिया है, तो पहिया एक चक्कर काटते वक्त कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाते टाइम जो उसने दूरी की वो हो जाएगी इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो एक चक्कर अगर ये काटेगा तो ये दूरी तय करेगा 7/1/7, यानी कि 50/7, ये इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 50/7, बिकॉज वो सर्कमफ्रेंस है। आपसे पूछ रहे हैं इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर इन किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर में आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ से आ गया 7/9, बिकॉज एक सेकेंड में इतने ही चक्कर काटे जा रहे हैं, तो स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस की प्लेस पे 50/7 रख देंगे और टाइम की प्लेस पे क्या रख देंगे, 7/9। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये 7/9 आपको बता क्या रहा है, 7/9 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब इतने चक्कर काटे जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ कितनी बार होती है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 7/9 है तो टाइम 9/7 होगा, इतनी बात आप सभी को समझ लेनी है, तो टाइम की प्लेस पे 9/7 रखेंगे, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो 50/9 यहाँ से करेक्ट होगा, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में है नहीं, और ये 50/9 आंसर आया है मीटर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर कैसे बना सकते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 × 10 = 9, 2 = 10 × 2 = 20, 20 किलोमीटर पर आर स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, ऑप्शन बी। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ 4% एनुअली एंड एक्स्ट्रा ग्रोथ बाय द रेट ऑफ 1% एनुअली ड्यू टू रेफ्यूजीज, अगर रेफ्यूजी ना होते तो पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 4% होता, मतलब इतने परसेंट की दर से पॉपुलेशन बढ़ती, अगर मान लीजिए पिछले साल 100 लोग गाँव में रहते थे तो 4% बढ़ के 104 हो जाते अगर रेफ्यूजी ना आते तो, लेकिन जो 1% बढ़ाना
वो किस कारण बढ़ा? क्योंकि रेफ्यूजी आ गए। तो रेफ्यूजी को मिला के पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? 5%। 5% पहले साल हुआ और 5% दूसरे साल हुआ। तो जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो कि लगातार 2 साल है, मान लीजिए यहाँ भी कुछ परसेंटेज से ग्रोथ देखने को मिली और यहाँ पर भी, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 फॉर्मूला लगा के आप बिना डेटा को यूज़ करें डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रही होगी। तो 5 + 5 + 5 × 5 / 100, ये 10 हो जाएगा, और ये 25/100 मतलब 1/4 मतलब 0.25, तो ये क्या हो जाएगा? 10.25%, ऑप्शन बी। ये देखिए एक और आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। ये डिसाइड के सामने ये जो कुछ भी लिखा है ना, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का एग्जाम्पल है। इसका मतलब डी के सामने अगर 4 है तो डी का मतलब 4 है, ई के सामने अगर 5 है तो ई का मतलब 5 है। ये है सिंपल सी चीज़। अब देखिए डी 4 और ई 5 आखिर हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं, सिंपल सा न्यूमेरिकल इक्वलेंट लिखा गया है और कहीं कुछ नहीं। तो ये जो ए बी आई डी है ना, तो ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, आई का मतलब 9, डी का मतलब 4 और ई का मतलब 5। तो 129.45 ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज वाई परसेंट ऑफ जेड, तो एक्स बाई 100 इंटू वाई, परसेंटेज के साइन को हटाया, 100 को नीचे लाए, इज का मतलब है इक्वल टू, वाई बाई 100 इंटू जेड, 100 से 100 कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया? जेड आ गया, यानी कि जेड बराबर एक्स आ गया। तो जेड की वैल्यू पूछी है तो वो तो एक्स है, ऑप्शन ए। अ मैन वॉक एट 3/4 ऑफ इज नॉर्मल, मतलब उसकी जो भी पहले की स्पीड थी उसके 3/4 हिस्से से चलने लगता है। 3/4 हिस्से से चलने का मतलब वो अपनी स्पीड कम कर लेता है। ये स्पीड V1 है और ये स्पीड V2 है। पहले अगर मान लीजिए 1 थी तो अभी हो गई 3/4, यानी कि अगर इस 4 को उधर भेजें तो पहले स्पीड 4 थी, अभी 3 हो गई है। तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। अब टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है, तो टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 3/4, ये टाइम का रेशियो है। और लिखा हुआ है इज लेट बाई 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट लेट हो जाता है, बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे पहले टाइम उसको 3 लगता था, अभी 4 लगता है, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया, और 1 के डिफरेंस को इन्होंने 90 मिनट के बराबर बताया है। तो 1 का मतलब 90। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइम, मतलब 3 की वैल्यू क्या? तो 90 का 3 गुना 270, 270 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको घंटे पता लग जाएंगे। 6 × 4 = 24, और ये आधा 4.5 घंटे इसको पहले लगते थे, ऑप्शन बी। द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹160 फॉर 2 ईयर्स ऑन एनी प्रिंसिपल वाइल द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 164। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 160 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 164 है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 4 का। तो एक आपको थ्योरम बता रहा हूँ, अगर प्रिंसिपल पे मतलब जो पैसा आपने लगाया उसका आप आर परसेंट आगे बढ़ाते हैं तो आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा। और इस 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आप आर परसेंट लगाते हैं तो आपको 2 साल का CI और SI के बीच का डिफरेंस मिल जाता है। इस बात को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये बात पता नहीं होगी तो बस ये हो चुका क्वेश्चन सॉल्व, बहुत टाइम लगेगा। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 160 है तो 1 साल के लिए 80 हो जाएगा, बिकॉज वो हर साल सेम रहता है। और ये जो 2 साल के लिए अंतर है ये तो 4 है, तो बस सिंपल सी चीज़ ये है कि ये 4 है, ये 80 है, तो ये कितना है? या फिर वो भी आप ना बताइए, आप सिर्फ रेट बता दीजिए, बात ख़त्म। तो सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये जो 4 है ये 80 का कितना परसेंट है। क्या बोला? ये जो 4 है ना ये 80 का कितना परसेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 10% लेते तो 8 आता, लेकिन ये तो 4 है तो इसका मतलब और आधा कर रहे हो, 5% ले रहे हो, तो ऑप्शन बी। 3 क्यूब्स विद द साइड 3, 4 and 5 इज मेड ऑफ मेटल, अ न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग दीज।
इन तीनों क्यूब को पिघला के एक नया क्यूब बना लिया। तो इसमें हम लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड, इन तीनों को मिला के जो वॉल्यूम आएगा वही बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इन तीनों के वॉल्यूम को आप जोड़ लीजिए, एक की साइड पता है तीन, तो तीन का क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो पहले का वॉल्यूम है तीन का क्यूब, दूसरे का है चार का क्यूब, तीसरे का है पाँच का क्यूब, और ये हो जाएगा ए का क्यूब। मैंने मान लिया कि ये जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड ए है, 125, 64 और 9, इनको सॉल्व कर लिया हमने, ये हो गया ए क्यूब। 12, 6, 18, 180 और 5, 4, 9, सॉरी 9 नहीं होगा, ये 27 होगा। तो 12, 6, 18 और 5, 4, 9, इसका मतलब हो गया 189, और ये क्या हो गया 27, जोड़ेंगे क्या हो गया 216। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6। उस पर्टिकुलर क्यूब की साइड क्या है, 6 है, और यही आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन ए। द सम ऑफ 11 कंजेकटिव नंबर्स इज 220, व्हाट इज द मिडिल नंबर। तो 11 कंजेकटिव नंबर मतलब अगर वो पहला नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1 है, आखिरी नंबर x प्लस 10 है। कुल मिला के ये बात आपसे की जा रही है। अब इसका जो सम है वो इन्होंने बता दिया 220, तो सम पता है तो एवरेज कितना हो जाएगा, सम डिवाइड बाय जितनी वो संख्याएं हैं, कितनी हैं 11 हैं, 11 टू ज़ा 22 और एक ज़ीरो, तो एवरेज आ गया 20। अब ये एवरेज आखिर होता क्या है, पहले नंबर और आखिरी नंबर का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का निर्माण करती है। बिकॉज जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो पिछले वाले से एक का गैप ले रहे हो, और ऐसा हर बार कर रहे हो, तभी ये एपी की सीरीज है। तो भाई इनका जो एवरेज है वो हम ले लेंगे। और एक चीज़ और, एपी के एवरेज निकालने का एक तरीका और भी होता है। अगर मान लीजिए कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने है तो उसका जो बीच का नंबर होगा ना वही उसका एवरेज होगा। अब यहाँ पे ये लोग बीच का नंबर पूछ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपसे एवरेज पूछ रहे हैं, जो कि आप निकाल चुके हैं 20, तो ऑप्शन बी। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 70 किलोमीटर। ये ए है और ये बी है, इनके बीच में गैप कितने का है, तो 70 किलोमीटर का। एक ट्रेन ए से बी चली जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आर के हिसाब से है, और दूसरी ट्रेन बी से ए चली जिसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से है। तो किलोमीटर पर आर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हर एक मिनट में 1 किलोमीटर चलती है और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यानी कि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो चुकी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसकी स्पीड है 60, तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो ओवरऑल स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो स्पीड हो जाएगी 80 प्लस 60। अब टाइम पूछा है ना, टाइम दे मीट ईच अदर आफ्टर वॉट टाइम, तो यानी कि टाइम बताना है जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है आपका 70 और स्पीड क्या है 140, 80 प्लस 60, तो ये आधा घंटा आ जाएगा, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, ऑप्शन सी। ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। इनके बीच में डिफरेंस लेते हैं 4, इनके बीच में 13 में से 5 गया 8, इसी तरीके से ये 16, इसी तरीके से ये 32, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यहाँ भी डबल करेंगे 32 का डबल 64, तो 64 प्लस 61 यानी कि 125, ऑप्शन डी। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 72 एंड इफ वन इज डिवाइडेड बाई द अदर देन द डिविडेंट इज 4। यहाँ पर डिविडेंट नहीं क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके बीच में अंतर तो 72 का है, लेकिन अगर आप एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अगर आप 112 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर 4 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर आप 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, तो इस ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़िए, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, कितने हो गए, 3, 3, 6, 4 अभी भी बाकी हैं, 17, 19, 23,
3 3 6 3 9 एक और चाहिए जो कि हो जाएगा 29। अब इनको ऐड करके 12 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 4 1 5 1 6 7 8 80 तो यहीं से हो गया, 9 3 12 9 21 7 28 3 31 1 32। तो इन सब को ऐड करा हमने तो आंसर क्या आ गया, 112। 112 7 119 124 127 और 129, तो सम आ गया 129। इसको जितने हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा, कितने हैं 10 हैं, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 12.9। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर हैज़ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। अब जब भी वायर का जिक्र हो आप इसको सिलेंडर की तरीके से ट्रीट करेंगे, बिकॉज वायर का नेचर सिलेंड्रिकल होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक स्फीयर यानी कि गोले को एक सिलेंडर में परिवर्तित किया जा रहा है। तो अगर एक 3D फिगर को दूसरे किसी भी 3D फिगर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम पहले फिगर का वही बाद वाले फिगर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, इसका वॉल्यूम πr² × h। अगर सिलेंडर ऐसे रखा है तो ये उसकी हाइट है, अगर सिलेंडर इस तरीके से रखा है तो ये उसकी लेंथ है। तो लेंथ हो चाहे हाइट हो, बात सिलेंडर के केस में कम से कम एक ही होती है। आप देख रहे हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 × 6 × 6 × 6 मतलब बाई 2 कर दीजिए ना, ये 6 डायमीटर है तो उसका रेडियस लेना है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 × 3। और ये यहाँ पे जो इसकी डायमीटर है, डायमीटर 0.2 तो रेडियस 0.1, 0.1 का मतलब 1/10, तो ये क्या आ गया, 1/10 × 1/10 × h, बिकॉज इसी चीज़ को आपको निकाल करके बताना है। 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 10 10 ज़ 100, 100 उधर जाएगा तो 4 और ये 9, ये 3 3 9, 9 4 36, 36 × 100, तो ये 100 और ये 36 मिलके बन जाएंगे 3600। लेकिन ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 36 मीटर, ऑप्शन ए। अब सवाल ये है कि 100 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अ मैन बायस 11 बुक्स इन ₹10, तो ये है नंबर और ये है रुपये। शुरुआत में इन्होंने 11 किताबें खरीदी ₹10 में, और बाद में क्या किया, 10 10 किताबें 11 में बेच दी। तो पहले किताबें की संख्या 11 थी, अभी किताबें कितनी हो गई, अभी हो गई 10, और ये 11 हो जाएगा। तो एक काम करिए, इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ किताबों को पहली सिचुएशन और बाद की सिचुएशन दोनों में सेम कर लीजिए। तो ये 11 और 10, इनका एलसीएम होता है 110, तो 11 से अगर आप 110 बना रहे हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए 10 से, मतलब इन दोनों की तरफ 10 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से 110 की तरफ जाना चाहते हैं तो × 11, तो अभी हमारे पास नंबर तो हो जाएगा 110 दोनों ही केस में, लेकिन ये हो जाएगा 10 10 ज़ 100 और ये हो जाएगा 11² 121। तो सिंपल सा सवाल हो गया कि 110 किताबें खरीदी तो ₹100 में हैं, लेकिन बेचने का जब नंबर आया तो ₹121 में बेच रहे हैं। तो 110 किताबों को रखिए किनारे, अब सिंपल सी ये चीज़ समझिए कि ₹100 की चीज़ को ₹121 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 21 का प्रॉफिट हो रहा है ₹100 पे, यानी 21%, ऑप्शन डी। इफ़ एक्स माइनस ए इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये जो छोटी वाली चीज़ है ना, इसको जी एक्स मान लीजिए, और ये जी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर ए। इस एक्स बराबर ए को इस वाले एक्सप्रेशन में रखिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए, फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग। तो एक्स के प्लेस पे ए, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इसको 0 करके x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को इस बड़े एक्सप्रेशन में रख के इसको 0 के इक्वल कर दिया। सिंपल है, ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2 बराबर 0, यानी a इज इक्वल टू -2, ऑप्शन सी।
इफ द हाफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई टू टाइम्स देन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड एरिया इज। हाफ डायमीटर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस को उठा के डबल कर रहे हो तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रेडियस दो बार है, स्क्वायर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप रेडियस को उठा के डबल कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया को उठा के दो का स्क्वायर यानी चार गुना कर रहे हो, चार गुना होने का मतलब 300% से बढ़ जाना, ये होता है सिंपल सा मतलब। मान लो कोई चीज़ दो गुनी हो गई तो 100% से बढ़ गई, कोई चीज़ पाँच गुनी हो गई तो 400% से बढ़ गई, ये होती है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 300% से बढ़ गया, ऑप्शन सी। चूज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, मान लो इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ये है और इस वाली को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ये है, अब क्या ये दोनों लाइन आगे जाके कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। सोल्यूशन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन पॉइंट, तो वो तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब नो सोल्यूशन है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। नॉट इक्वल टू से हमें मतलब ही नहीं है, हमें इक्वल में वैल्यू बतानी है। तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ए वन ए टू क्या है, एक्स के कोफिशेंट इक्वेशन वन और टू दोनों के, बी वन बी टू हैं इनके वाई के कोफिशेंट। यहाँ से वन का मतलब दो, यहाँ से तीन, बी वन का मतलब उधर से ए और इधर से माइनस फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए इज इक्वल टू माइनस टेन, ए इज इक्वल टू माइनस टेन बाई थ्री, ऑप्शन बी। अ सर्कल ऑफ हाफ रेडियस सेवन, रेडियस का आधा सात है तो रेडियस क्या है, चौदह है, सिंपल है। हैज़ अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री एंगल, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा का मतलब सेक्टर कितना एंगल बना रहा है, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14, थीटा 120, नीचे लिख दिया 360, ये हो गया 1/3 बिकॉज 120 ने 360 को तीन बार में काट दिया, 7 × 2 = 14, और ये नीचे तीन का तीन बचा ही रहेगा क्योंकि तीन ऊपर कहीं मिलेगा ही नहीं। इसको कुल मिला के सॉल्व कर लेंगे तो 14 × 28 × 22 यानी 56 × 11, तो 5 6 और ये 1 1, 616/3, तो ये तो 200 के ऊपर चली जाएगी वैल्यू ना, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ऑप्शन मैच ना करें, जिनके आप जीएस सेक्शन में भी देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन उनकी तरफ से रॉन्ग आ जाता है। अ मैन सेल्स हिज साइकिल फॉर ₹450 एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 20%। 20% लॉस में बेचने का मतलब ये हुआ कि 80% में बेच दिया, 80% का मतलब 450। अब कहा जा रहा है कि कितने में बेचा होता अगर 20% का प्रॉफिट हो गया होता, तो 20% प्रॉफिट का मतलब 120% में बेचने की बात हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 80% का मतलब 450, तो 120% का मतलब क्या, सॉल्व कर लेंगे 450 × 120/80, 40 से काटेंगे तीन बार में, 40 दूनी ये 225 × 3 यानी कि 675, ऑप्शन डी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 विद द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 2 ईयर्स, तो ये पहला साल ये दूसरा साल, पहले साल में तो इस 4000 का 5% मिलेगा, 10% होता तो 400 होता, 5% मतलब आधा यानी 200, दूसरे साल इस ₹200 तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस 200 का भी 5% मिलेगा। इसका 5% कितना हो जाएगा, सबसे पहले 10% 20 आपको सीधे दिख रहा है, 5% का मतलब आधा यानी 10, 200 200 400 400 + 10 यानी 410, ऑप्शन सी। 72 में देखिए ज़रा, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन के कहने का अर्थ कुछ और है जबकि हिंदी में कुछ और है। इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है तो उस पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही कौन सा है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो आप जानते हैं कि वो इरेशनल है तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए कौन सा असत्य है, मतलब जो फॉल्स है उसको बताना है। तो यहाँ पे
पाई अपरिमेय है मतलब इरेशनल है, तो क्या ये फॉल्स है? ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो ये नहीं होगा। ई इरेशनल है, ये भी ट्रू है। रूट टू एक इवन नंबर है। अरे भाई, जो रूट टू है ना, वो एक इरेशनल नंबर है, इसमें क्या इवन क्या ऑड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एवरी नेगेटिव नंबर हैज़ अ स्क्वायर, मतलब अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये तो ट्रू है, जो ट्रू है वो आपका आंसर नहीं है। नो स्क्वायर रूट इज़ देयर फॉर नेगेटिव नंबर, अगर लोगे भी तो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में वो चला जाएगा। ये भी ट्रू है, तो आंसर नहीं है। माइनस इन्फिनिटी इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो कुछ लोग इसको माइनस देख के कह देंगे ये तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सब्जेक्टिव क्वांटिटी हैं, किसी और के लिए अलग और आपके लिए अलग, इमेजिनरी हैं। तो ये आंसर सही हो जाएगा, बिकॉज ये गलत है। इफ़ वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जो मॉड एक्स होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके बाहर आता है, तो इसको वाई इज इक्वल टू एक्स की तरीके से देख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का तो 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी। जो हमारे मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा, लेकिन जो बाकी बैकग्राउंड के हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा ये क्या है। तो ये पुराने क्वेश्चन हैं, आज की डेट में मुश्किल हैं कि ये आपके पेपर में दिखे भी। ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर ये, इसको फिर से लिख देता हूँ, एक्स माइनस मॉड एक्स बाई एक्स, ये पूरा डिवाइड बाई एक्स, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसमें अगर आप नीचे एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 छोड़ के बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ऑप्शन डी। बाकी यहाँ पे कंटिन्यूअस का टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता, बस देख के टिक करना होता है। कैलकुलेट द लिमिट दिस, तो अगर आप, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है वैसे, तो अगर आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, फंक्शन को ही अनडिफाइंड बता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करिए, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये तो प्रोडक्ट में है, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स को एज इट इज़ लिखना है, एक्स का डिफरेंशिएशन यानी 1, तो इंटू 1 तो यही आएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स, और 1 + x का क्या होगा, तो 1 होगा, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x। लेकिन रुकिए, अभी भी नीचे x है, एक और बार डिफरेंशिएट करिए, फिर से एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया है, ई एक्स का वही रहता है, और ये साइन चेंज होकर के हो जाएगा प्लस का 1/1 + x का होल स्क्वायर, और नीचे 2x का हो जाएगा 2। अब आप रखिए वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, 1 + 1 + ये 1, और नीचे 2, आंसर क्या आ जाएगा, 3/2, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहला ऑप्शन है इफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो मान लीजिए एक्स है आपका -2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स के बारे में आपको बात करनी है। एक्स आपको पहले से पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 4 है, जबकि एक्स -2 है, तो 4 बड़ा है कि -2, तो 4 बड़ा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा है, और ये लोग भी यही कह रहे हैं, इसका मतलब सही कह रहे हैं, ऑप्शन ए। अ कार ड्राइवर ड्राइव्स कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम डिस्टेंस 200 किलोमीटर ऑफ अ प्लेन टू अ हिली प्लेस वाइल ऑन रिटर्न जर्नी हिज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जब आप जा रहे थे तो 40 की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन जब आप वापस आ रहे थे तो 20 की स्पीड से आ रहे थे। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है, जो कि होती है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 200 यानी 400, टोटल टाइम मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड पहले केस में और दूसरे केस में, इनको ऐड करना है। पहले केस में डिस्टेंस 200 और स्पीड है 40, दूसरे केस में डिस्टेंस 200 और स्पीड है 20। 400 बटे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, 400 बटे 15 यानी कि 5 से काटेंगे 80 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 80/3 यानी 26.6, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया।
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा तो रहेगा ही। एक बार ज़रा अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं जो कि होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का क्या मतलब है, इस नेगेटिव को थोड़ा इधर रखते हैं, बी का मतलब है एक्स का कोफिशेंट, मतलब जो उसके साथ नंबर लिखा है 11, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो कि 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस 11, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, सी का मतलब जो कांस्टेंट है 50, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की जगह पे माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 2 × 50 डिवाइड बाय अल्फा बीटा जिसका मतलब है 50, 121 माइनस 100/50 यानी 21/50 यानी कि 0.42। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। एफ एक्स जी एक्स आपको दे रखे हैं, जी एक्स एक बार फिर से लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3, और पूछा है जी ऑफ एफ इनवर्स, तो सबसे पहले इनवर्स नहीं है सॉरी, एफ ऑफ माइनस 1, तो एफ ऑफ माइनस माइनस 1 जरा करिए, ये माइनस प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ एक्स एफ इन माइनस 1 आपको चाहिए था ना, तो एफ माइनस 1 की प्लेस पे तो 0 आ गया, यानी कि जी ऑफ 0 आपको न्यूमरेटर में लेना है, जी ऑफ 0 एक्स स्क्वायर की प्लेस पे 0 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया माइनस 3। उसके बाद नीचे क्या चाहिए, एफ ऑफ जी माइनस 1, जी माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 यानी माइनस 2। तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 1 का मतलब हो गया एफ ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा माइनस 3/2 जो कि मैच नहीं कर रहा है। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, हायर क्लासेस से मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, बस आप जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है उस पर फोकस करिए अगर टाइम है तो, अदरवाइज जीएस के लिए ज़्यादा सीरियस रहिए। एक्स इज इक्वल टू दिस, तो जब भी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा दिया हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया करो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से उधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ही वन होते हैं, आप जानते हैं आइडेंटिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बताना था। द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है वो एक्चुअली होती है कि ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ये सब का, इनको ज़ीरो कर दो, ये जो 1 2 3 है इसको इस डिटर्मिनेंट में आर वन पे ले लो पहली रो में 1 2 3, इसी तरीके से इसको दूसरी रो में ले लो K0 4, इसी तरीके से इसको -2 4 2 ऐसे रख सकते हो, इसको ज़ीरो कर दो, मतलब ये ज़ीरो होता ही है, ये कंडीशन होती है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 1 × इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0 − 16 -2 इन सब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2k ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 4 8, उसके बाद यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस 3 × इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यह आ जाएगा 4k प्लस 0 बिकॉज माइनस 2 × 0, यह आ गया माइनस 16,
ये माइनस फोर के माइनस 16 प्लस 12 के इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 12 में से 4 गया 8, 8 के माइनस 32 इज इक्वल टू ज़ीरो, 8 के बराबर 32, तो के बराबर 8 से 32 ने को काटा 4 बार में, के बराबर 4। ऑप्शन ए, अ कॉइन इज टॉस्ड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी दिस। ये फिजिक्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन पिछले मतलब पिछले जो साल थे, साल 2007-06, इनमें कुछ भी ये लोग पूछ लेते थे। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए दिक्कत की बात है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। आजकल सिर्फ बेसिक एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है। वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको हाइट बतानी है और वेलोसिटी की वैल्यू 9.8 है, तो सीधे फॉर्मूला याद रखिए, एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर का मतलब 9.8 इंटू 9.8, 2g का मतलब 2 इंटू 9.8, g का मतलब 9.8, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 4.9। 4.9 मीटर यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। फॉर एवरी इंटीजर एक्स द एक्सप्रेशन दिस इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसमें ज़ीरो रखेंगे तो सब ज़ीरो हो जाएगा, वन रखेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज 1 स्क्वायर माइनस 1 ज़ीरो। यहाँ पे दो रख के देखते हैं, लिखा हुआ है एवरी इंटीजर, तो कुछ भी रख के देख सकते हैं। टू, टू का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 2 6 प्लस 2 8, 8 3 24 दुनिया 48। हमारा आंसर आ रहा है 48, जो कि इनमें से सिर्फ 24 से कटता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस इज, इनमें से कौन से टाइप का ट्राइंगल है बताइए। तो इसमें सबसे पहले इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लो, और डिस्टेंस ए भी निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 64, और ये क्या आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर 68 आ गया। उसके बाद इधर देखिए, अब बी सी निकालते हैं, ये आ जाएगा बी सी हमारा 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया 85। तो मतलब ए बी बी सी आपस में बराबर नहीं है। उसके बाद सी ए, इसमें निकालेंगे ये 2 और -2 मिलके 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया √17। तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ट्राइंगल इसका मतलब स्केलिन होगा, स्केलिन ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक ऐसा ऑटोमेटिक टाइप का सर्कल है जिसकी रेडियस हर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। तो टाइम के हिसाब से कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, यानी कि dr/dt, जहाँ पे r है रेडियस। dr/dt हमारे पास है 3, इक्वेशन नंबर 1। एट वॉट रेट इज़ द एरिया इंक्रीजिंग वेन द रेडियस इज 10। रेडियस की वैल्यू इन्होंने 10 दे दी। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे, तो r के रिस्पेक्ट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, t के रिस्पेक्ट में करना, बिकॉज टाइम के हिसाब से चेंज को देखते हैं। dA/dt पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का 2r इंटू dr/dt। अब dA/dt क्या हो जाएगा, पाई तो वैसा ही रहेगा, r की प्लेस पे हम 10 रख देंगे, तो 2 इंटू 10। dr/dt हमें 3 पता है इक्वेशन 1 से, तो 3 दहम 30 दूनी 60, ये क्या आ गया 60 पाई, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है fx बराबर log x, तो fx प्लस xy क्या होगा आपको ये बताना है। तो fx तो log x है, fy क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log x प्लस log y कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब log x प्लस y होता है। तो यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, ये होता है log ऑफ xy, मतलब इंटू में है तब प्लस की फॉर्म में खुलता है। आप जानते हैं log a भी बराबर होता है log a प्लस log b, तो यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, ऑप्शन ए। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस,
तो इसमें मीडियन के लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगा लगाया मिल गया। अब आप गिन लीजिए कैसे मैं बोल रहा हूँ लगा लगाया मिल गया। सबसे छोटा 2 है जो कि सबसे पहले है, सबसे बड़ा 16 है जो सबसे लास्ट में है, तो मतलब ऑर्डर मेंटेन है। अब ये लोग हैं कितने, ज़रा गिन लेते हैं, 3 3 6 2 8। अब 3 यहाँ से काटिए, 3 उधर से काटिए, ये जो बीच में 8 और 10 है ना, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका मीडियन आ जाएगा, 18/2 यानी 9, ऑप्शन बी। अ प्लेयर कंप्लीट्स 2200 मीटर रेस इन एनी सर्कुलर पाथ विथ 7 रिवोल्यूशन, 7 चक्कर मारने के बाद 2200 मीटर कवर करता है, तो एक चक्कर मारने के बाद 2200/7 मीटर कवर कर पाता। अब ये क्या है, एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2πr। तो 2200/7 को 2 × 22/7 × r लिख सकते हैं, r ही आपको बतानी है। तो ये 100 बार में कटा, 7 से 7 डायरेक्ट कटा, 250 जा, r बराबर आ गया 50 मीटर, ऑप्शन सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो मिड पॉइंट बहुत आसान होता है, x कोऑर्डिनेट का एवरेज लीजिए, 4 − 4 0, 0 मतलब 0, 6 8 14, 14 का आधा 7, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,7, ऑप्शन डी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये अगर इसको 120 के बराबर मान ले तो ये एंगल पी हो गया, और क्यू और आर कहीं पे भी आप मान सकते हैं, दिस इज एंगल पी। इफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये पी आर है और ये पी क्यू इसके बराबर है, तो इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं जिससे ये डिस्टेंस हमें थोड़ा सा बराबर लगे। अब इसको ज्वाइन करा के एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना देते हैं। अब ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, और इक्वल साइड के सामने जो एंगल बनता है वो भी आपस में बराबर होता है। इन तीनों का टोटल एंगल 180 होता है, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है, उसमें से 120 यहाँ पर ले चुके हैं, तो बाकी का बच गया 60। अब 60 में भी बराबर बांटना पड़ेगा, बिकॉज एंगल्स इक्वल होंगे, इक्वल साइड के सामने है ना, तो 60 को 2 बराबर पार्ट में बांटने का तरीका एक ही है कि 30 इसको दे दो, 30 इसको दे दो, तो एंगल कितने आ गए, 30 और 30, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो इसका तो एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ऑफ ए बाई बी इसका फॉर्मूला होता है बेस ई पे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया।